ग्वालियर में अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए खुद को गोली मार कर घायल हुए दो युवक अपने ही जाल में फंस गए। दो अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। घायल दोनों युवकों ने अपने दुश्मन को राजीनामा गवाही न देने के साथ साथ झूठे केस में फंसाने का प्लान बनाया। वहीं हजीरा थाना पुलिस ने घायल सहित 5 नामजद आरोपी बनाए तो वहीं महाराजपुरा थाना पुलिस ने घायल सहित 2 लोगों को आरोपी बनाया। इन दोनों मामलों में पुलिस ने दोनों घायलों को हिरासत में ले लिया है। देखिए ये 2 मामले हैं, इसमें प्रथम दृष्टया पुलिस में ये हॉस्पिटल के माध्यम से रिपोर्ट हुआ कि गनशॉट इंजरी का केस है और ये पीड़ित के रूप में अस्पताल में पहुंचे हैं। पुलिस ने दोनों ही केसों की छानबीन की, एक केस हजीरा थाना क्षेत्र का, एक महाराजपुरा थाना क्षेत्र का है। फाइनली जांच में ये निष्कर्ष निकला है कि जिन लोगों को गोली लगी है वो लोग षड्यंत्र का हिस्सा थे। उन्होंने अपनी अपोजिट पार्टी को फंसाने के लिए और उनके खिलाफ 307 की FIR कराने के लिए सोच समझ के ये षड्यंत्र रचा, गोली अपने चलवाई गई और उस प्रकार की रिपोर्ट की गई जिससे कि इनके विरोधी लोगों के खिलाफ 307 का केस कायम हो जाए। लेकिन थाना प्रभारी हजीरा, थाना प्रभारी महाराजपुरा, हमारे एडिशनल SP सियाज और CSP नागिन, लगातार इन टीमों ने इन दोनों केसों को वर्कआउट किया। पहली जो रिपोर्ट थी, जैसा कि आपको पता है कि 9 जुलाई को मनीष बाथम नाम का व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हुआ था और मनीष बाथम ने ये बताया था कि एक पर्टिकुलर मोटरसाइकिल नंबर के चालक ने उसको गोली मारी है और ये भी बताया था कि चालक मुकेश प्रजापति और रोहन है। तो इमीडिएटली पुलिस ने रोहन से और मुकेश से पूछताछ की तो उन्होंने बताया हम तो पीड़ित हैं, 307 के फरियादी हैं और कल हमारा बयान न्यायालय में होने वाला है, हमको फंसाने के लिए संभवतः साजिश रची गई है, हम तो घर से बाहर नहीं निकले हैं। तो उनका बयान टेक्निकल एविडेंस से ही पुष्ट हुआ तो ये स्पष्ट हुआ कि ये जो स्टोरी मनीष ने बताई है उसमें कुछ ना कुछ सत्यता नहीं है। तो बाद में मनीष से भी थोरोली इन्वेस्टिगेशन हुई और ये पता लगा बाद में कि मनीष बाथम षड्यंत्र का हिस्सा था। मुकेश प्रजापति को फंसाने की साजिश हुई थी उसमें मुकेश प्रजापति 307 का पीड़ित है, उसका जो आरोपी है लाखन राठौर वो ऑलरेडी जेल में है, इनके गवाह चल रहे हैं, ट्रायल चल रही है, इसलिए लाखन राठौर के भाई नारायण राठौर ने ये योजना बनाई मनीष से मिलके कि तुम अपने में गोली चलवा के गोली मार लो और प्रजापति लोगों के खिलाफ FIR करा दो जिससे कोर्ट में राजीनामा हो जाएगा। तो इस केस में जिनको फंसाने की साजिश हुई थी, मुकेश प्रजापति और उसका पुत्र रोहन, इनकी भूमिका नहीं पाई गई है, बल्कि इनकी जो अपोजिट पार्टी है जो जेल में लाखन राठौर, उसके भाई नारायण राठौर की भूमिका पाई गई है, मनीष बाथम की भूमिका पाई गई है, जॉनी बाथम की भूमिका पाई गई है। कुल 5 आरोपियों को जो खुद ही अपने को पीड़ित के रूप में दर्शा रहे थे उनको आरोपी बनाया गया है, उनके खिलाफ समुचित धाराओं में FIR हुई है, उनको गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है। दूसरा मामला इसी प्रकार का महाराजपुरा में आया था। महाराजपुरा थाने में कृष्णा भदौरिया नामक युवक ने अस्पताल में भर्ती होकर रिपोर्ट किया कि उसके पैर में गोली लगी है। तत्काल पुलिस मौके पर गई, वो बयान देने की स्थिति में नहीं था या बयान को टालने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को जो प्राइमरी टेक्निकल रिपोर्ट थी उससे मामला संदिग्ध लगा। जब बैकग्राउंड में इन्वेस्टिगेशन की गई तो जिन लोगों पे कृष्णा भदौरिया ने संदेह जाहिर किया था, कृष्णा राठौर और लवकुश गुर्जर, कृष्णा राठौर और लवकुश गुर्जर ने 2 दिन पहले ही कृष्णा भदौरिया के खिलाफ FIR कराई थी। पुलिस को ये शंका हुई कि इस केस को काउंटर करने के लिए ये कोई षड्यंत्र रचा गया है। इसमें कृष्णा भदौरिया और उसके साथ ही अंकुश राणा और अर्जुन वर्मा और सविता, इन लोगों से पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि कृष्णा भदौरिया ने 2 दिन पहले इसके खिलाफ जो FIR हुई थी उसको काउंटर करने के लिए षड्यंत्र रचा है। इसमें भी पूरी घटना को वर्कआउट किया गया और कृष्णा भदौरिया जो अपने को पीड़ित बता रहा था आज वो आरोपी है, उसके अगेंस्ट में और अंकुश राणा के अगेंस्ट में FIR हुई है। इन्होंने जिस कट्टे से अपने को गोली मारी थी कट्टा जब्त किया गया है और इनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जा रही है।